हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं इस वक्त हूँ देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में, जो मुंबई के बीकेसी में है। और यहाँ पर ये देखिए कि ये कंट्रोल रूम है, जहाँ पर सुपर डॉक्टर ऐप, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से किस तरह से मरीजों और डॉक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन होता है और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ आफिया जी हैं। आफिया जी, ये जो इतनी सारी टीम यहाँ पर बैठी है इस कंट्रोल में, ये किस तरह से जो सुपर डॉक्टर ऐप आपका है, किस तरह से काम कर रहा है और कैसे ये सारे लोग उसको मैनेज करते हैं? सुपर डॉक्टर ऐप इज अ फुल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे एक अगर कंसल्टेंट बैठे हैं तो उनको एक पेशेंट की जो भी एक्सरे हुई है, जो भी लैब रिपोर्ट्स हुई है, प्लस उनके जो भी वाइटल्स लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें उनको एक स्क्रीन पे दिख जाती है, जिससे उनको वो पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे कंसल्टेंट्स हैं जो अंदर जो वार्ड में पेशेंट्स हैं उनका सारा अपडेट देख रहे हैं और उनसे यहीं से ट्रीटमेंट डाल रहे हैं, ताकि उनको क्या मेडिसिन जानी चाहिए, उनका आज का लैब का क्या इन्वेस्टिगेशन का क्या रिपोर्ट्स है, और उस हिसाब से नया कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो वो भी यहीं से करते हैं वो लोग। सब कुछ यहाँ ऐप के जरिए कंट्रोल हो रहा है। कोविड के समय जो कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, तो मरीज के पास जाए बगैर सब कुछ यहाँ से कंट्रोल, सब कुछ हो सकता है बिना मरीज के यहाँ जाए। मरीज का सारा रिपोर्ट देखना है, उनको कौन सी मेडिसिन कभी देनी है और भी कोई उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करानी है, वो सारी चीज़ यहीं से होती है, तो उनको पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुपर डॉक्टर ऐप किस तरह से कोविड के जो अस्पताल हैं मुंबई में, बीकेसी की मदद से, इस ऐप की मदद से कैसे काम कर रहा है और बगैर कोविड के मरीज के पास जाए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, उसके लिए पूरी यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और सारे लोग यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हमने कंसेप्चुलाइज किया है, इसमें इतना इजी प्रोसीजर है डॉक्टर्स, सिस्टर्स, वार्ड बॉयज़ के लिए कि हर पेशेंट का एंट्री से लेकर डिस्चार्ज तक, इवन पोस्ट डिस्चार्ज में भी, हमारा जो पोस्ट कोविड ओपीडी है उस पर भी हम इस सॉफ्टवेयर से मैसेजेस भेज पा रहे, डाटा दे पा रहे, जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन से, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेज हो, सिटी फिल्म्स का, दैट इज़ ये सारे इंटीग्रेटेड इस सॉफ्टवेयर में। सो जो पेशेंट आईडी ये सॉफ्टवेयर थ्रू हमने इंटीग्रेट हर पेशेंट का किया है, उस पर एक लिंक जनरेट हो रही है, तो वो लिंक पेशेंट का रिलेटिव अपने कहीं पर भी उसको ओपन करके अपने रिश्तेदार के ट्रीटमेंट डिटेल्स ले सकता है, एक्सरे रिपोर्ट्स देख सकता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, किसी और डॉक्टर से भी राय लेनी है तो वो भी ले सकता है। तो कोविड इरा में जो पेपरलेस वर्क एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना हम पेपर यूज़ करेंगे उतना वो एक फॉर्माइट यूज़ होता है कोविड ट्रांसमिशन में, वो हमने काफ़ी महीनों से इस सॉफ्टवेयर की वजह से हम पेपरलेस बन चुके हैं। हमारा सारा इंटीग्रेटेड लैब से लेके, सिटी स्कैन से लेके, एक्सरे मशीन से लेके, वार्ड मैनेजमेंट से लेके, सारा जो डाटा ये सॉफ्टवेयर थ्रू इंटीग्रेटेड है। हमको कभी भी चाहिए तो हम सॉफ्टवेयर में 5 मिनट में ओपन करके उस पेशेंट के बारे में टोटल डिटेल्स, उसका नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन्स, डिस्चार्ज समरी, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, सारा देख सकते हैं। मरीजों की तरफ से इस सॉफ्टवेयर को लेकर किस तरह के रिस्पॉन्स है और वो कितना इसे यूज कर रहे हैं डॉक्टर? हर मरीज कर रहा है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कभी कभी मैसेजेज जो जनरेट हो रहे वो अगर नहीं जाते रिलेटिव को हर दिन में, तो यहाँ जो हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है वहाँ तुरंत फोन आ जाता है कि आज मैसेज नहीं आया हमको। सो दैट वे अभी इतना इफेक्ट हो रहा है कि जो भी मरीज का हमने एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है, जो भी वो देते हो, उनको डेली मैसेज अगर हमारे जाते नहीं कि पेशेंट की हालत क्या है सॉफ्टवेयर थ्रू, तो वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते आज एक मैसेज आया नहीं, तो इस तरह से ये इफेक्ट हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर को लेकर और भी आप शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी है और भविष्य में भी ये मरीजों और डॉक्टर के बीच जो ट्रांसपेरेंसी है उसको जो है
आपने जो है? नहीं, ये तो दूर कर ही चुका है, भविष्य में तो और इसका यूज कर सकते हैं, हर बीमारी के टाइम यूज कर सकते हैं। अभी तो कोविड का है, सेम आप गायनेक में भी यूज कर सकते हो, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी यूज कर सकते हो। ये लाइव डाटा होता है हर पेशेंट का कि आज क्या हो रहा है, कि आपके कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाइए कि वहाँ आपका अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसकी मालूमत मिलते मिलते 12 घंटे मिल जाती है, फिर भी वो पूरी मिलती है कि नहीं। यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं, लिंक में सिर्फ ओपन करना है, आपके मोबाइल को सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, आप सारा जो भी आपका पेशेंट अपन हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो, और फिर डाउट भी आए तो हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात भी कर सकते हो। तो घर में भी सुकून से वो रिलेटिव सो सकता है, इवन उसका पेशेंट यहाँ आईसीयू में भी एडमिट है, सीरियस भी है, और उसको हर घंटे में अगर पता लग रहा है कि मेरे पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या लैब रिपोर्ट सारे सब उसको खुद देख पा रहे हैं, तो इसमें छुपाने का, इज प्योरली ट्रांसपेरेंट। अभी बीकेसी के जो सबसे बड़े कोविड सेंटर को लेकर के और भी कुछ हमें शेयर करना चाहेंगे, यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं? और अभी तो बीकेसी में हम 17 अगस्त तक हमारा 10,000 डिस्चार्ज पूरा कर चुके हैं, और वो 10,000 पेशेंट हम डिस्चार्ज करते एक भी डेथ नहीं हुई है। इतना अच्छा बीकेसी का टीम वर्क है, इतना अच्छा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सपोर्ट है, ये सारा जो है हमारे कमिश्नर साहब, एएमसी सर, ये सारा इतना बीकेसी को सपोर्ट करते हैं कि आज 12,000 के ऊपर हमने पेशेंट ट्रीट करके 4 महीने में कर चुके हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।